हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाने वाले एक चार्जिंग मॉडल, जो कि कुछ इस चार्जिंग मॉडल का वर्क करने वाले हैं। ये आपको मार्केट में 50 से 60 रुपए में मिलने वाला है, लेकिन तो मैं यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का और इस कार्डबोर्ड का यूज करके केवल इस मॉडल को 5 से 7 रुपए में ही बनाने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको एक कार्डबोर्ड ले लेना है। मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड ले लिया, इसकी जगह पर आप प्लास्टिक का कुछ ले सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर ले लेता हूँ होल करने के लिए एक चिमटी। यहाँ पर मैं इस चिमटी का यूज़ करने वाला हूँ। आप किसी अदर चीज़ से यहाँ पर होल कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एक होल को कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने यहाँ पर एक चार्जिंग सॉकेट को ले लिया है। तो चार्जिंग सॉकेट की जो हमारे पास यहाँ पर ये इसकी लेग दिख रही है, ये हमारी बड़ी वाली है, ये हमारी पॉजिटिव और ये छोटी वाली निगेटिव। आप यूँ भी इसको देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस साइड से आपको पकड़ा है, और जो हमारे सीधे हाथ पर होती है वो हमारी पॉजिटिव, और इसके बाद जो उल्टे हाथ पर होती है वो हमारी निगेटिव। तो मैं इस कार्डबोर्ड में इस चार्जिंग सॉकेट को यहाँ पर सेट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं 2 LED का यूज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ पर इस LED को मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं ले लेता हूँ एक डायोड। इसके बाद फ्रेंड्स, मैं ले लेता हूँ 2 रेजिस्टेंस, जो कि 1K ओम के हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें फिक्स हो चुकी हैं। इसके बाद इसको हम पढ़ लेते हैं और इसकी वायरिंग को कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसकी सारी वायरिंग को कर लिया है। इस वायरिंग डायग्राम की सहायता से मैं आपको उसको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस चार्जिंग सॉकेट और यहाँ पर इसको डायोड को कुछ इस प्रकार से लगाया है, और इसके बाद मैंने 2 रेजिस्टेंस जो कि सीरीज में लगाए हैं LED के लिए, LED 1, LED 2, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसके बाद आपको पीछे यहाँ से पलट कर दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो चार्जिंग सर्किट का निगेटिव वायर है वो मैंने डायरेक्ट LED के निगेटिव पर कनेक्ट करके बैटरी के निगेटिव में दे दिया है। ये मैंने बैटरी के वायर निकाल दिए हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स, जो हमारा डायोड है, डायोड से मैंने यहाँ पर डायरेक्ट, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पट्टी वाली है, यहाँ से मैंने पॉजिटिव को निकाल दिया है। ये बैटरी का पॉजिटिव वायर है, और मैंने रेजिस्टेंस को कुछ डायोड से पहले और डायोड के बाद में लगाया है। तो ये हमारी LED जो ग्रीन वाली LED है, जब मैं बैटरी को यहाँ से कनेक्ट करूँगा तो ये हमारी ग्रीन वाली LED जलेगी। और इसके बाद जो मैं यहाँ से, आप बैटरी को देखिए, यहाँ से आप बैटरी को जब कनेक्ट करते हैं तो ये हमारा इसके साथ कनेक्ट हो जाता है डायरेक्ट, तो ये हमारी LED 2 यहाँ पर जलने लगती है, जो कि हमारी ग्रीन LED लगी है। इसके बाद फ्रेंड्स, जब आप चार्जिंग को लगाते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ से आपको करंट जाता है, तो यहाँ पर ये हमारी LED 1, LED 2 दोनों जलने लगती हैं। तो ये हमारी डायोड जो है करंट को जाने देता है लेकिन आने नहीं देता। जब आप बैटरी लगाएंगे तो यहाँ से इसको जो वापस है करंट नहीं आएगा, तो ये हमारी LED 1 नहीं जलेगी। इसके में फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पर बैटरी को ले लेता हूँ और मैं निगेटिव को निगेटिव के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो ग्रीन वाली LED, जिसे मैं वायर को हटाता हूँ तो ग्रीन वाली LED बंद हो जाती है, ये जलने लगी है। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर देता हूँ और चार्जिंग को भी लगाकर आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, चार्जिंग पिन को मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये हमारी चार्जिंग होने लगी है। फ्रेंड्स, इसके बाद मैं मल्टीमीटर को ले लेता हूँ, यहाँ से आपको चेक करके दिखा देता हूँ और बैटरी को हटा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको देखता हूँ, यहाँ पर मैं कितने वोल्टेज आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर
चार बोल्ट आ रहे हैं, 4.5 बोल्ट। ये हमारा चार्जिंग मॉडल अच्छे से वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।